हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो पिछली बार जो वीडियो डाली थी वो मैंने कैसे मास्टर शेफ का ड्रेस रेडी किया था उसकी डाली थी। अब मैंने वही ड्रेस अपनी बेटी को पहना के जो फोटो शूट करना है वो पूरा शूट करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया कि ये मेरे पास है ना ऐसा एक फैब्रिक रखा है, मैंने ये स्पेशली फोटोशूट के लिए ही किया लिया था प्रेगनेंसी में मेरे। मैंने बहुत से किए थे, कुछ वीडियो आपको दिखा पाई हूँ, कुछ नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था कभी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले इसको लगा लिया है। पूरी वीडियो नहीं आ पा रही, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कोई शूट करने वाला नहीं होता है तो खुद मुझे ही करना पड़ता है। ज़बरदस्ती किसी को करवाओ ना तो जैसे हस्बैंड और बेटे को तो ये लोग ढंग से करते नहीं है। तो जितना मैं कवर कर पा रही हूँ उतना मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये इस तरीके से पर्दा लगा लिया, फिर उसके को मैंने ये जो आटा है मतलब जो भी छोटे छोटे किचन के सामान है जो प्रॉपर किचन का लुक दे सकते हैं छोटे से बच्चे के किचन के लिए वो सब मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। हालांकि मुझे बहुत सी चीज़ें सेट करनी थी लेकिन मेरी जो बेटी है ना वो पूरा सामान बिखोर दे रही थी और तैयारी नहीं हो रही थी। जब कराने का मूड होता है उसे फ़ोटो वगैरह खिंचाने का वीडियो बनाने का तो वो रेडी हो जाती है, कर भी लेती है, लेकिन जब उसका मन नहीं होता ना तो सामान बिखेरने लगती है। तो जितना मुझे समझ में आता था वो सारा सामान मैंने उसके ऊपर सेट कर दिया और कुछ जो रह भी जाएगा वो भी आगे पीछे सेट करती रहूंगी। देखिए बीच बीच में लगातार चिल्लाती रहती है। फिर मैंने ये एक मेरे पास स्लेट रखा था उसके ऊपर जो मेरे नानू छोटा था ना तो इसको एक मुझे गिफ्ट किया था एक दीदी ने लिखने के लिए, इसको हम पहले पार्टी बोलते थे, बड़ी वाली स्लेट भी बोलते हैं इसको। तो इस पर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, देसी खाना गोपाली किचन, मेन्यू भी बना दिया है। मेन्यू कुछ अपूर के गाँव से मिलती हुई है, हम लोग यहाँ तो इतना खाया नहीं जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरा सेटअप किया, लेकिन कुछ कमी मुझे इसमें नज़र आ रही है, वो वैसे वैसे मैं उसको पूरा कर रही हूँ। मेरी बेटी की जो स्पेशल डिश है ना वो है उल्लू पुलाव, जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये तो खैर मजाक में हमने लिख दिया है ऐसे। आप जो कुछ भी अच्छा अच्छा स्लोगन आपने सोच के रखा हो लिख सकते हैं, कोई प्लान नहीं था मेरा ऐसा कुछ करने का। सडनली मेरे मूड में आया था कि बस अब इसको शेप बना के मुझे ऐसे ऐसे का फोटोशूट करना है, क्योंकि बच्चों की जो इसे बचपन की जो हम उनको तैयार करते हैं जैसे जैसे हर चीज़ उनके साथ करते हैं ना वो एक याद रहती है। जब बड़े हो जाते हैं देखते थे कहते हैं हमने ऐसे छोटा सा बनाया था अपनी बेटी के लिए ये किया था। तो इस तरीके से जितना मुझे समझ में आया वो सारी चीज़ें मैंने इस पर सेट कर दी। सेट करने के बाद मैंने सोचा भाई रील भी हो जाए, रील के बिना वीडियो अधूरी रहती है और रील तो मस्ट है, मेरे लिए तो ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब वो एक बोलते हैं ना पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया है। मुझसे कितनी बार लोग पूछते हैं भाई रील बनाने के अलावा भी कुछ काम करती हो क्या, उस पर भी मैंने एक रील बनाया, मैंने अपने आईडी पे शेयर कर दिया है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरी वीडियोज़ पर हमेशा टॉप पे और लेफ्ट साइड में मेरे इंस्टा का आईडी मेंशन किया होता है, आप फटाफट जाएं और उस इंस्टा आईडी पे क्लिक करें और मेरी वीडियो वगैरह देखें, आप बहुत इंजॉय करेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ, आपको भी ऐसा लगता होगा जब आप देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने कुछ अपनी बेटी को रेडी किया। रेडी होने में भी महारानी जी ने खूब टाइम लगाया और खूब मस्ती की, ज़्यादा वो एक्साइटेड थी पोहा खाने के लिए, कच्चा पोहा, कच्चा चने की जो दाल होती है ना भुनी हुई, सॉरी कच्चे वाली तो कभी कभार खा लेती है वो जब खुला डिब्बा दिखता है, तो भुना हुआ चने की दाल जो मैं चटनी में इस्तेमाल करती हूँ ना वो पूरी चट कर जाती है। ये मैंने ड्रेस उसको रेडी किया था, वो मेरे पास रेडी बना हुआ रखा था वही मैंने उसको अटैच कर दिया है। हालाँकि ये फ़ोटोशूट होने के बाद सारी चीज़ें मैं पूरे खोल दूँगी और उसको वापस रियूज़ में लाऊँगी किसी और चीज़ में। तो ऐसी मेरी बेटी का गेटअप हुआ रेडी, इतनी अच्छी लग रही है ना, लग रही है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, अगर नहीं भी लग रही होगी तो भी बताएं। बच्चे तो देखो किसी के भी हो, जानवर के भी हो तो भी प्यारे लगते हैं, दुश्मन के हो तो भी प्यारे लगते हैं। कुछ इस तरीके से मेरी बेटी रेडी होगी, अब इसको फाइनली मुझे इस पर बिठा के फोटोशूट करना है। अब ये क्या है, इनका दिमाग 10 जगह जा रहा है क्योंकि एक तरफ टीवी चालू है जिसमें इनका फेवरेट गाना आ रहा है, तेरे वास्ते फलक किससे मैं चांद लाऊंगा। ये गाना आजकल इनके गाने की लिस्ट में पहले पे चल रहा है, गाना इनका चेंज होता रहता है। अब पूरा तैयार करने के बाद इनको मैं मना रही हूँ कि भाई तो आप इस पे बैठ जाओ जाके, तो अब जैसे इनका मन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये जाएंगी वहाँ बैठने के लिए। आप देखिए मैंने किचन में जो जो चीज़ें रखी है ना जो मेरे पास अवेलेबल है वही मैंने रखी है, कुछ अलग से लेके मैं नहीं आई हूँ कि स्पेशली इसको फोटोशूट करना है तो इसके लिए मैं कुछ अलग से चीज़ लेके आऊँगी। गैस जो है मैंने वैसे बनाया है, पटा होता है ना पीढ़ा बोलते हैं जिसको, वो रख के उस पर गैस का जो दो बर्नर था ना वो ला के मैंने सेट कर दिया है जिससे गैस वाला लुक आ रहा है। आप इसको अगर ज़्यादा मतलब अलग से दिखाना चाह रहे हैं तो ब्लैक कपड़े की जगह आप वाइट कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ब्लैक ही दिखाना था इसलिए मैंने ब्लैक रखा। डोसे का तवा रख के मैंने डोसे का बैटर
उसके ऊपर फैला दिया है, क्योंकि एक दिन पहले मैं डोसा बना चुकी हूँ तो वो बचा हुआ घोल था, तो मैंने बोला इसके ऊपर लगा देते कुछ अच्छा सा लगेगा। आटा गुना हुआ रखा था, थोड़ा सा बचा था तो उस आटे को भी उठा के रख दिया। फ्रिज में जो जो सब्जियां मेरे पास पड़ी थी वो सारी के सारी यहाँ पे मैंने ला के रख दी, और पापड़ की थैली में एक ही पापड़ बचा था। मुझसे बच जाए तब ना, मैं तो कच्चा पापड़ भी खाती हूँ, पक्का पापड़ भी खाती हूँ, और हालांकि बोल दोनों ही नहीं पाती, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पक पक्का। अरे यार छोड़िए कच्चा पक्का, अब लगते हैं अपनी बेटी के शूट के टाइम पे। यहाँ पे मैं इसकी कुछ फोटोज क्लिक करूंगी और मैडम को मनाना होगा। जब तक इन मनाते हैं तब तक दूसरे मोबाइल से भी मैं इसको शूट कर लूंगी, क्योंकि शूट करना बहुत ज़रूरी है। रील मैं अपनी बेटी की आईडी के ऊपर भी डालती हूँ, इंस्टा आईडी पे, और अपने भी डालती हूँ। तो रील देखिए बन रहा है जो कि मज़ेदार है, और काफ़ी हद तक मेरी बेटी इंजॉय भी कर रही है, क्योंकि एक तरफ उसका गाना लगा हुआ, एक तरफ उसके पापा नाच रहे हैं हर तरह से उसको मनाने के लिए। ये रोनी शेफ है, रोनी के किचन में क्या बना है? ओ गैस भी गिरा दिया। हाँ अदरक की चाय बनी है रोनी। टूटो गुड़िया। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस शेफ। लो जल्दी बीटी मेरी, मैं उसको जैसे जैसे सिखा रही हूँ, हालांकि कुछ चीज़ें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैडम मन के मालिकी ने अपनी जो रोज़ देखती हैं वो उनको समझ में आता है, वो करने लगती है। लेकिन जब सामने हो भुने चने हुए के दाल, कच्चे चने की दाल, पोहा, तो बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती। वही पहले खुद खाना है, बनाना बाद में है। कुछ मास्टर शेफ ऐसे भी होते हैं जो पहले खुद खाते हैं बाद में सबको खिलाते हैं। वैसे मास्टर शेफ का काम होता है बनाते बनाते चीज़ों को चख के देखना, जब वो टेस्ट उसमें अगर अच्छा खराब जो भी है पता चलेगा तभी तो आगे को सर्व करेंगे। लेकिन हमारी लाडली रानी जो जो चीजें यहाँ पे रखी हैं सबको अपने विधिवत जो समझ में आ रहा है, कभी टमाटर को पकड़ के कूट दे रही हैं, कभी खाली ओखली जो बोलते हैं उसे कूट दे रही है। और ये जो पत्ते हैं ना, कोई सोच सकता है कि ये पत्ते क्या जंगली पत्ते से तोड़ के लेके आई? नहीं नहीं, कोई जंगली पत्ते नहीं है, ये सहजन के पत्ते, जो कि मैंने एक दिन इसकी सब्जी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने पहले भी एक दो बार खाया है लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया था, बहुत ही मज़ा आया था। अगर आपको कभी इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ऐसा है, हमें हर जगह की रेसिपी है ना उसको ट्राई करते रहना चाहिए, हर तरीके का मतलब बनाना चाहिए। साउथ में इसको अलग तरीके से बनाते हैं, नॉर्थ में इसको अलग तरीके से बनाते हैं, राजस्थान में इसको अलग तरीके से बनाते हैं, हर जगह इसको अपने तरीके से बनाते हैं। हमारी बेटी इंजॉय कर रही है रील को, वो हर रील को अच्छे से इंजॉय करती है, वो मेरी भी रील में खुद आगे आ जाती है, कितनी बार बिगाड़ देती है मेरी रील की पैर। मुझे ज़रूरी है आना भाई, मुझे लो पाली जो है अपने किचन में बना रही का और खा रही ज्यादा है। मिनिमम 30 मिनट में मेरा ये फोटोशूट हो गया था, सच में 30 मिनट में हो गया था, क्योंकि तैयार ही मतलब जो सेट तैयार करना था जल्दी जल्दी मैंने कर लिया था पहले से ही, फटाफट मतलब रखती चली गई, तो मुझे 10 मिनट उसमें लगा था। और मैं फोटोशूट बहुत फास्ट फास्ट करती हूँ इसके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाया और इसको फोटो वगैरह जितने क्लिक करने हैं और स्क्रीनशॉट से भी ले लेती हूँ, वीडियो बनाते बनाते भी तो काम और समय दोनों ही मेरा बच जाता है। और मेरी बेटी बल्ले बल्ले कर रही है, खैर ये सब तो लगा ही रहेगा। और अब क्या है, इनको भाई अभी पूरा ये समेटना है जो अटाला हुआ है फोटोशूट करते समय, तो ये सारा अटाला हम लपेटने की तैयारी करने वाले हैं। और अभी फाइनली जुट चुकी हैं अपने चीजों में। गोपाली इधर देखो, बाय कर दो सबको, बाय। हाँ भाई अब सब लोग जाओ, कोई जरूरत नहीं है, वो अपने किचन में बिजी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गोपाली बोलो बाय बाय, कर दो बाय बाय।